तो बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझे नहीं जानते हैं। मैं बताऊं, मेरा नाम सुधांशु केसर झा हुआ और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूं बिहार से, बिहार के छोटे से डिस्ट्रिक्ट मधुबनी से, बट आज के तारीख में मैं पटना में रहता हूं। और जिस प्रोग्राम को आपने आज अभी सुना है, जिस प्लान को आपने अभी देखा है, यही सेम प्लान आज से तकरीबन 20 साल 2 महीने पहले, आई मीन सितंबर 2001 में मैंने भी देखा था आप ही की तरफ से। और उस वक्त मैं एक ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था, मैंने जस्ट प्लस टू पास की थी और ग्रेजुएशन पार्ट वन में मैंने एडमिशन लिया था और सोच रहा था कि लाइफ के अंदर क्या करना नहीं करना। लेकिन इसी बीच ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मुझे प्लान देखने का मौका मिला। और जब प्लान देखने का मौका मिला तो मुझे बताया गया कि इस प्लान के अंदर दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि इसके अंदर एक एजुकेशन का पार्ट है जो इंटरनेट कंप्यूटर से रिलेटेड है, ऑनलाइन से रिलेटेड है, और दूसरी चीज कि इसके जरिए जो है एक पैसे कमाने का भी अपॉर्चुनिटी। समझते थे क्योंकि पिताजी उस समय 1000 से 1200 रुपए महीने भेजते थे हमें पटना में पढ़ाई करने के। तो ये दो चीजों ने मुझे इंस्पायर किया था कि जिसके वजह से मैं इस रिसोर्ट के अंदर आया। पहली थी पढ़ाई, उस समय एक स्टूडेंट के तौर पर पढ़ाई कर रहा था, और दूसरा था कि कम से कम अपनी पढ़ाई के ऊपर जो खर्चे आ रहे हैं उस खर्चे को अगर मैं डीसॉक के पैसे से निकाल पाऊं। लाखों करोड़ों की बात नहीं थी, वीकली पेमेंट की बात नहीं थी, महीने में एक आध भी चेक अगर आ जाए छोटा मोटा भी तो हम लोग के लिए मतलब हर दिन दिवाली वाली स्थिति हो जाए। तो इसी तरीके से सोच के साथ इस चीज को शुरू किया। और शुरुआत के टाइम में आपको पता है कि जब कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना होता है। हमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और हमें ये लगा कि ये बदलते जमाने की चीज है, नए जमाने की चीज है, अगर इसको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो आने वाले समय में ये मुझे काम देगा। और यकीन मानिए 6 महीने से साल भर के अंदर, एक साल मान के चलिए कि एक साल 2001 से लेकर 2002 तक में मैंने इसके अंदर लर्निंग की, सीखा, जाना, कंसेप्ट किस तरीके से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री काम करती, किस तरीके से ऑनलाइन काम करती, किस तरीके से आने वाला फ्यूचर जो है वो ई कॉमर्स का है। और आज की तारीख में आपको मैं बताऊं तो पिछले 2 साल पहले जब कोरोना नाम की महामारी आई थी तो इसने हर चीज को एक एक करके प्रूफ करके दिखा दिया। कहते हैं ना कि आप जब तक अपने विजन को क्लियर नहीं रखेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी में बेहतर नहीं कर सकते। और विजन क्या होता है? विजन आज के बारे में अगर आप हैं 2021 और 2021 के बारे में सोच रहे हैं तो ये विजन नहीं हुआ। आप 2021 में है लेकिन आप अपनी लाइफ को 2025 में ले जा रहे हैं, 2030 में ले जा रहे हैं, तब आपका विजन हुआ। आप देखते होंगे हम लोग पटना शहर के अंदर रहते हैं, पटना का जो एक मैप है सब कुछ है उसके अंदर जो चीज उसमें काम करती है पटना नगर निगम, उसका जो विजन है वो 2035 का विजन है। सोचिए अभी हम लोग 2021 में है, 2035 का मास्टर प्लान बना हुआ है। आप जिस शहर में रहते होंगे वहां भी उसी तरह की चीजें होंगी। तो आज इस कोरोना ने हमें सिखाया कि वाकई में ड्यूसॉफ्ट ने आज हमें हमारे लाइफ के अंदर क्या कुछ दिया। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 1.5 साल के अंदर वही चीजें और वही सिस्टम सिर्फ टिकी रही, जिन चीजों का जो वजूद था, जो बेस था वो ऑनलाइन का था, जो बिजनेस या जो कंसेप्ट ई कॉमर्स पे थे और जो कहीं ना कहीं पढ़ने लिखने से जुड़ा हुआ चीज था। तो इस तीनों पैमाने पे ड्यूसॉफ्ट जो है पूरी तरीके से खरा उतरी। और यकीन मानिए दोस्त, पिछले 1.5 साल से हम लोग लगातार घरों में रहे, लॉकडाउन था थ्रू आउट अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन उसके बावजूद भी इस 1.5 साल के अंदर तकरीबन 70 से 75 सप्ताह हुए ड्यूसॉफ्ट जो पेमेंट देती है हमें वीकली मोड में देती है, और इस 70 से 75 सप्ताह के अंदर एक भी ऐसा वीक नहीं बीता, चाहे वो कंप्लीट लॉकडाउन क्यों ना हो हिंदुस्तान के अंदर, जिस वीक ड्यूसॉफ्ट ने हमारे अकाउंट के अंदर पैसे नहीं दिए। उस दिन हम लोग जान गए कि वाकई में हम लोग मेहनत करते हैं एक्टिव इनकम के लिए, जिंदगी भर मेहनत करते हैं कि एक्टिव किस तरीके से पैसे कमाए, पैसे कमाए। तो एक्टिव इनकम तो ठीक है, जब तक आप एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, लेकिन कोरोना ने हमें सिखाया कि सिर्फ एक्टिव इनकम ही अचीव करने से आपकी जिंदगी नहीं जाएगी। हो सकता है कि आपकी जिंदगी के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर एक ऐसा ब्रेक पड़े कि 6 महीने साल भर 2 साल आपको घर में रहना पड़े, और उस वक्त आपको कौन सहायता देता है, कौन सपोर्ट करता है, यही सबसे बड़ी चीज है। और हमें लग रहा था कि इस सिस्टम के जरिए हमने एजुकेशन फ्रीडम लिया, इस सिस्टम के जरिए हमने फाइनेंशियल फ्रीडम लिया, और एक चीज जो हम लोग बहुत मेहनत करते थे, आज बिहार में, कल उड़ीसा, परसों झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, इंडिया से बाहर हर जगह पे मेहनत करते थे, इस कोरोना ने हमें यह भी सिखाया कि ड्यूसॉफ्ट के जरिए एजुकेशनल फ्रीडम के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम, और सबसे बड़ी चीज जो समय की आजादी की बात करते थे, इस 2 साल से घर में रह के भी हम लोगों ने पैसे कमाए और अपने बच्चे के साथ एजुकेशन चुकी
उसके स्कूल्स भी ऑनलाइन थे, हमारी मीटिंग्स भी ऑनलाइन थे, एक लैपटॉप के ऊपर बच्चे स्कूल्स का क्लासेस करते थे, एक मोबाइल के ऊपर हम लोग ये सॉफ्ट का सिस्टम करते थे। और इसी दरमियान जितना काम हम लोगों ने विदेश के अंदर फॉरेन के अंदर पहले नहीं किया था 2019 से पहले, वो कोरोना युग के अंदर आज जो हम लोग की टीम है, जो टीम आपको आप जुड़ी हुई होंगी यहाँ से, जो हमारी चेतना प्रधान मैम इंडोनेशिया से है, दुबई से, अबू धाबी से, साउथ अफ्रीका से, कतर से, सऊदी अरबिया से, मालदीव से, इतने सारे कंट्रीज, पहले हम लोग राज्यों के नाम लिया करते थे, अब हम लोग कंट्रीज के नाम लिया करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो है यही है कि हम लोगों का जो पैटर्न है वो पैटर्न ऑनलाइन का है, हम लोगों का बिजनेस का जो थीम है वो ई कॉमर्स का है। और यकीन मानिए दोस्त, कोरोना ने पहला झटका दिया तो थोड़ा सा कम डर लगा था, लोगों को लगा कि एक बार आया चला जाएगा, चला भी गया, लेकिन यकीन मानिए जब दूसरा झटका दिया ना कोरोना की जो दूसरी लहर आई, वो लहर आपको पता है कि कितनी खतरनाक थी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी लोग आज इस मीटिंग के अंदर कनेक्टेड होंगे, हर किसी के सगे संबंधी जान पहचान में किसी न किसी व्यक्ति की डेथ हुई होगी, इतना भयानक था। तो कोरोना ने भी हमें ये, चेतना जी ने लिखा कि नाउ आई एम एंजॉयिंग इन बाली, बाली जो है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बीच उसको कहा जाता है, समुद्र का तट है, और देखिए बाली द्वीप से इंडोनेशिया में ही है, वहां वो एंजॉय कर रही है, और अगर आपको फोटो दिख रहा हो तो आप देखिए उनकी वीडियो कहां वो एंजॉय कर रही है। तो ये कनेक्शन हमारा है, ये हमारा प्लेटफॉर्म है कि मैं पटना में बैठा हुआ हूँ, आप उड़ीसा में बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई बंगाल में बैठे हैं, कोई बिहार में बैठे हैं, और चेतना प्रधान मैम इंडोनेशिया बाली से जो है समुद्र तट से इस मीटिंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस सिस्टम ने यह सिखाया कि आने वाला कल जो है वो ई कॉमर्स का है, आने वाला कल जो है ऑनलाइन का है, और एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और अब आने वाले कल में गवर्नमेंट को भी लग गया कि अगर 1.5 से 2 साल तक बच्चे इंटरनेट के ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप यकीन मानिए आने वाले समय में ये भी देखेंगे कि जितनी भी तरह की डिग्री और डिप्लोमा की कोर्सेज हैं वो भी अब ऑनलाइन होगी। और ड्यूसॉफ्ट इस तरह के सिस्टम में पायनियर सिस्टम है, जिसने पहली कंपनी के तौर पर 24 अक्टूबर 2000 को इस सिस्टम को लॉन्च किया था। आज अगर कोई भी कंपनी आ रही है 6 महीने साल भर 2 साल 3 साल 4 साल पुरानी है, 2025 में वो 5 साल पुरानी हो जाएगी, लेकिन 2025 में ड्यूसॉफ्ट अपना 26वां सालगिरह मना रही होगी। तो कहते हैं ना कि जिसके पास एक्सपीरियंस होता है उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होता है। आज टाटा 1900 ईस्वी की 100 साल पुरानी कंपनी है, सबसे ज्यादा वैल्यू आप उसको क्यों करते हैं? क्योंकि आपको उसके ऊपर विश्वास है कि 100 साल से अगर टिका हुआ है तो आज भी टिका रहेगा, टाटा का नाम ही काफी है। उसी तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में आज आप देखेंगे, आप गूगल पे जाइए, कहीं भी जाके सर्च करिए, 24 अक्टूबर 2021 साल हमारे पूरे हो गए हैं और 22वां सालगिरह हम लोग मना रहे हैं। कोई कंपनी, कोई सिस्टम, कोई एजुकेशन जो ट्यूटोरियल की आप बात करेंगे, इंस्टीट्यूशन की बात करेंगे, आपको नहीं मिलेगा जो ड्यूसॉफ्ट से पुरानी। और इसी कोरोना में कहते हैं ना कि हर परिस्थिति और हर चुनौतियों में हमारे पास एक मौका होता है, इसी कोरोना ने हमें ये दिखाया कि कैसे एजुकेशन के साथ साथ हमारे लिए उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए हेल्थ है। हम लोग इससे पहले सिर्फ एजुकेशन को कैटर करते थे, लेकिन इस कोरोना ने हमें यह सिखाया कि नहीं, हमें कहते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, पहले हमारा हेल्थ रहेगा तभी तो हम एजुकेशन ले पाएंगे। और आज दुनिया की जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है एजुकेशन प्लस हेल्थ, उस कॉम्बिनेशन के साथ ड्यूसॉफ्ट वर्कआउट कर रही है। जो सुप्रियो ने आपको बताया कि पहला प्रोडक्ट हमारा जो प्रोटीन डिस्क पाउडर है वो ड्यू वाइटल वो लॉन्च हो चुका है, बहुत सारे लोगों के घरों तक पहुंच चुके होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके का प्रोडक्ट जो है हमारे अपनी रिसर्चर ने खुद की जो रिसर्च के साथ ये इसको किया है। तो हमें लगता है कि आज की तारीख के अंदर आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन मौका है। और जो प्लान आपको बताया ना सुप्रियो ने कि 1 साल के अंदर 52 लाख, यकीन मानिए दोस्त, मैं ही अपने आप में एक ऐसा इंसान हूँ जिसने इस प्रोजेक्ट को, इस 52 लाख के प्रोजेक्ट को आज से 20 साल पहले हिट किया था। तो मेरा पहला एक साल था, उस साल के अंदर ही मैंने इस टारगेट को हिट कर दिया। तो कोई व्यक्ति जो आपके साथ बातें कर रहा है, आपको सपोर्ट करने के लिए सोच रहा है, अगर वो 20 साल पहले इस चीज को हिट कर सकता है तो क्या आज आप नहीं कर सकते? आज आपकी हिम्मत चाहिए, हमारा जो है एक्सपीरियंस है वो चाहिए, और तीसरा कंपनी का जो 22 साल का बैकग्राउंड है वो चाहिए। जब ये कहते हैं ना कि जब मिल बैठेंगे 3 यार तो फिर दुनिया में धमाका ही धमाका होगा। और आज इस कोरोना ने किस तरीके की महामारी के तौर पर यूज किया है पूरी दुनिया को हर कोई जान रहा है, लाखों में नहीं करोड़ों में नौकरियां गई है। और जब करोड़ों में नौकरियां गई है तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से दुनिया आने वाले समय में 2022 से 24-25 में जाएगी। तो आपके पास मौका है, कोरोना ने दूसरा लहर दिया, हो सकता है कि कोरोना अगर तीसरा लहर दे दे
जो कि आज मैंने देखा रसिया के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस आ गए हैं, विदेशों में केस बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर इसका स्टेप थोड़ा कम है। तो क्या आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है? अगर नहीं तो सचेत हो जाइए और ड्यूस ऑफ के तौर पे अपने लाइफ के अंदर एक अपॉर्चुनिटी लाइए। और पहले के जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कभी भी 2 नाव के ऊपर सवारी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कोरोना ने हमें सिखाया, कहते नहीं, हर एक चीज जो है, हर एक जो क्राइसिस है, जो ट्रेजेडी है, वो लाइफ को लेसन देता है। लाइफ जो है अपने आप में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर है। ये कोरोना ने हमें सिखाया कि अब वो समय आ गया है जब हमें 2 नाव पे एक एक पैर रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारी जिंदगी कहाँ बिखर जाएगी, कहाँ डूब जाएगी, हमें नहीं पता चलेगा। तो आज बेरोजगारी की क्या स्थिति है, हम क्या बताएंगे? हर लोग इस चीज से जूझ रहे हैं, हर परिवार जूझ रहा है। और इसी तरीके से एक बेरोजगार चिंटू सर आवाज आ रही मेरी, चिंटू सर है आप? बिल्कुल आ रही है सर आपकी आवाज आ रही, बिल्कुल है। तो इसी तरीके से एक बेरोजगार हमारे निर्मल बाबा के पास पहुंच गए। निर्मल बाबा को सर जान रहे हैं सर आप? निर्मल बाबा, अरे सर बहुत बढ़िया से। तो वो बेचारा बेरोजगार वहां पहुंचा और उनको बोलता है कि बाबा मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ और पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आज के तारीख में नौकरी नहीं मिल रहा। तो निर्मल बाबा ने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ कितने पढ़े लिखे हो? तो बाबा ने कहा, वो लड़के ने कहा कि बाबा मैं बीए पास हूँ। तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बीए किए हो? बोला हाँ बाबा। तो बोला एक बार और बीए कर लो? बोला एक बार और, डबल बीए? बोला हाँ एक बार और कर लो। तो बोला सर बाबा इससे नौकरी मिल जाएगी? बोला नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, एक बीए किए, बीए हो गया, दूसरा बीए करो, बीए बीए बाबा हो जाएगा, और जब बाबा बन जाओगे ना तो फिर सब चीजें फंसोगे नहीं, फिर लाइफ के अंदर कोई तकलीफ नहीं होगी, फिर ऐसे ही चीजें चली। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए आप सोच रहे हैं कि बाबा लोग भी अब अपने ही फील्ड में आने के लिए बोल रहे हैं। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास जो है, आज संकट आया हुआ है, वैसे में अगर ड्यूस ऑफ आपको एजुकेशन के साथ, आपके हेल्थ के साथ, आपके करियर के साथ, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ, आपके सॉफ्ट स्किल के साथ, आपके हार्ड स्किल के साथ, इन तमाम तरह की चीजों के साथ अगर आपको सपने पूरे करने की भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है, तो हमें लगता है कि आज की तारीख के अंदर ये दुनिया की बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी आप यहाँ ले रहे हैं, जहाँ इतने कम पैसे के अंदर शायद आपको जिंदगी में एक बेहतरीन मौका मिलना आज की तारीख के अंदर असंभव है। कहते हैं ना कि आप जब शेर के साथ रहेंगे तो शेर के साथ रहेंगे तो वो जिंदगी के अंदर संघर्ष करना सिखाएगा। ड्यूस ऑफ के जितने भी बड़े बड़े नाम आप जानते हैं, चाहे वो चिंटू सर हो, रणवीर सर हो, मनीष सर हो, सुनीता मैम हो, बड़े बड़े डिप्लोमेट मिंटू जसवाल हो, आपको प्रवीण विद्यार्थी है, सारे मीटिंग्स के अंदर है, शेखर जी है, प्रवीण जी है, ये सारे लोग ये ऐसे ऐसे शेर हैं जिनके साथ आप जब काम करना शुरू करेंगे, रहना शुरू करेंगे, तो ये आपको जिंदगी के मूल्यों के बारे में जिंदगी के संघर्षों के बारे में सिखाएंगे। लेकिन वही अगर आप कहते ना कि शेर के साथ रहेंगे तो ये संघर्ष सिखाएंगे, और अगर आप गधों की जमात में चले गए तो गधा क्या सिखाता है? गधा हमेशा आपको हालातों के सामने झुकना सिखाता है, किसी तरीके से मजबूरी में अपनी जिंदगी को काटना सिखाता है। तो फैसला आपको करना है कि आप शेर की झुंड में रहना चाहते हैं या आप हालातों के साथ सफर करना चाहते हैं। आज जो ड्यूस ऑफ के लोग हैं, जो बड़े बड़े सीनियर्स हैं, उनके पास जो 15 साल 20 साल का अनुभव है, वो अनुभव सोच रहे हैं, वो अनुभव अगर आपके लिए आने वाले कल में काम करने लगेगा, तो आज भले ही आपकी जिंदगी कहाँ है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आने वाले 5 सालों के अंदर आपकी जिंदगी कहाँ पहुंच जाएगी इसकी कल्पना आज आप सोच नहीं सकते हैं कि कहाँ हो सकता है। मेरे जैसे व्यक्ति को ही लोग कहते थे कि ये लड़का बेकार लड़का है, ये कुछ नहीं कर सकता लाइफ के अंदर, लेकिन आपको बताऊं कि इस बेकार लड़के के पास आज की तारीख के अंदर 4-4 कार। तो अगर बेकार लड़के के पास 4-4 कार के ड्यूस ऑफ दे सकते हैं, तो सोचिए आप तो हमसे भी बहुत बेहतर होंगे, क्योंकि आप 21वीं शताब्दी के जमाने में हैं। और आज की तारीख के अंदर नेटवर्क सिस्टम, ये डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क कैसे ग्रो करता है, कैसे लोग अपनी टीम बना के अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करते हैं, कोरोना से बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? कोरोना तो नवंबर 2019 में तो सिर्फ वहां चाइना में आया हुआ था, फिर ये पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को आगोश में कैसे ले लिया? यही होता है नेटवर्क। जब एक बार आप टीम बनाना शुरू करते हैं तो 2, 4, 5, 10, 20, 50, 100, 200 कैसे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जिस चिंटू सर को अभी आप सुन रहे थे, आपको जान के ताज्जुब होगा कि उनकी टीम के भले ही बातें उनकी इतनी मीठी आपने सुनी होगी, लेकिन उनकी टीम के अंदर आज काम करने वाले लोगों की संख्या तकरीबन 4 लाख से ज्यादा है। 4 लाख लोग, 4 लाख लोगों के 4 लाख दिमाग और 4 लाख लोगों के 8 लाख हाथ जिनके लिए काम करेंगे। आप सोच सकते हैं कि उसके लिए 1,92,000 सप्ताह का कोई बड़ा इनकम है? कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा इनकम है। वो काम करे ना करे, वो एक्टिव रहे ना रहे, उनके घर पे वो पैसे। तो इन्होंने वो पाइपलाइन बनाई
आपके पास वो मौका है पाइपलाइन बनाने का, और आपके पास जो मौका है उस मौके में क्या मैंने आपको पहले ही बताया कि आपका जो है ड्रीम होना चाहिए, आपका जो है वो हौसला होना चाहिए, और जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारा सिस्टम है उसका बैकअप रहेगा, और अगर वो बैकअप काम कर गया तो समझिए कि आने वाले कल में कोई आपको आपके सपने पूरा करने से रोकने वाला नहीं है। अगर मेरी आवाज आप सभी लोगों से जा रही है तो छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, सुप्रिय आवाज है मेरी? यस सर, क्लियर है सर। हाँ, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ सभी लोगों से, अगर आप जवाब दे पाए। आपने बस का सफर किया है सुप्रिय? बस में कभी चढ़े हैं? यस सर। अगर आप बस में चढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि अगर आप कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि आप पीछे वाली सीट पे बैठे, चाहते हैं कि सबसे पीछे वाली सीट पे जाके बैठे? नो सर, नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मजबूरी में हमें आगे सीट नहीं मिलता तो पीछे बैठते हैं। जब आप पीछे बैठते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है कि सबसे ज्यादा जो धक्का है, जो उछलता है बस, वो कहां उछलता है? पीछे वाली सीट। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि बस तो वही है, बस वही है ना, आगे भी लोग बैठे हैं, पीछे वाले लोग बैठे हैं, ड्राइवर भी वही है? यस सर। बस का स्पीड भी ऐसा नहीं कि आगे वाले के अलग है, पीछे वाले के अलग है, सब कुछ बराबर है, तो उसके बावजूद भी धक्का पीछे वाला क्यों खाता है? ये मेरा सवाल आप सभी से है। एक ही बस में बैठने के बाद सेम स्पीड, सेम ड्राइवर, सारा कुछ के बावजूद धक्का जो है वो पीछे वाला क्यों खाता है? मेरा सवाल आप सभी से है, सोचिएगा। और तो आप जो भी सोचे, मैं आप इस सवाल का जवाब आपको दूं कि वो धक्का पीछे वाला सिर्फ और सिर्फ इसलिए खाता है क्योंकि उसकी जो दूरी होती है वो ड्राइवर से बहुत ज्यादा होती है। जितने ज्यादा वो ड्राइवर के करीब आते जाएगा, उसका धक्का खाने का परसेंटेज जो है वो घटते जाएगा, और जब आप आगे की दो चार पांच रो में बैठेंगे तो आपको बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ड्राइवर इंपॉर्टेंट है, का मतलब है कि ड्यूसॉफ्ट के अंदर अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपके अपलाइन इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने अपलाइन के साथ जितने क्लोज रिलेशन में रहेंगे, जितने नजदीक रहेंगे, आपके लिए जिंदगी में धक्के खाने का मौका उतना कम होगा। जितने डिस्टेंस बनाएंगे आपके लिए धक्का उतना बढ़ता जाएगा। तो ये सोचना आपका काम है। अभी तक आपने जिंदगी में बहुत बेहतर नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, आज से बेहतर करना शुरू करेंगे। मैं भी जब ज्वाइन किया ड्यूसॉफ्ट तो मैं तो 20 साल का था, तो 19 साल कहा कुछ अच्छा किया, लेकिन 20वें साल में मौका मिला, 20 साल में अच्छा किया। छोटा सा सवाल और सुप्रियो आपसे पूछता हूं कि आपके पास 86,400 रुपए है, कितने पैसे सुप्रियो? 86,400 रुपए, 86,400 रुपीज आपके पास है सुप्रियो। अगर उसमें से 10 रुपए आपका चोरी हो जाता है तो क्या सुप्रियो बाकी के 86,300 रुपए आप फेंक देते हैं क्या कि मेरा 10 रुपया चोरी हो गया, अब ये 86,300 फेंक देता हूं, कोई काम का नहीं करते क्या ऐसा सुप्रियो? नहीं ना, तो फिर जिंदगी में ऐसा क्यों करते हैं कि 86,400 सेकंड हमें एक दिन में मिलते हैं। आप कैलकुलेट करिएगा कैलकुलेटर पे, एक दिन में आपको हमारी जिंदगी में हर किसी को, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, रोड का भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, सुधांशु शेखर जा हो, कुमार मनीष हो, या आप सभी नए लोग हो, हर किसी को भगवान ने, ऊपर वाले ने एक दिन के अंदर 86,400 सेकंड। अरे 10-20 सेकंड अगर बर्बाद भी हो गए ना, उसके बावजूद भी 86,300 सेकंड बचते हैं, 86,000 बचते। अगर उस समय को सही उपयोग आपने कर दिया तो फिर आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होगी। ये नहीं सोचना है कि पीछे मैंने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, फिर से मेरे पास उठने का मौका नहीं है। और उठने का मौका क्या होता है वो आज के तारीख में वर्ल्ड कप से बेस्ट एग्जाम्पल सुप्रियो आपको कहीं नहीं मिल सकता है कि वार बोलते हैं ना, वार के बाद पलटवार क्या होता है। दो मैच लगातार हिंदुस्तान की टीम हारने के बाद उसको पता था कि हम क्या कर सकते हैं, और पिछले दो मैच के अंदर वो जो कर सकते थे वो करके उसने अपने नेट रन रेट को सुधार के नंबर एक पे पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि उसके हाथ में ही है। आज अफगानिस्तान का मैच है, ये उसके हाथ में नहीं है। हमारी जिंदगी में भी जो हमारे हाथ के अंदर है उसको हम करें। आज अगर अफगानिस्तान की टीम जीत जाती है तो हम कल से ही फाइनल में होंगे, लेकिन अगर हम अफगानिस्तान से ही हार जाते हैं, कल स्कॉटलैंड को हमने 6 ओवर में हरा दिया, अगर हम 12 ओवर में जीतते तो फिर हमारे लिए चांसेस नहीं होते। इसका मतलब है कि जिंदगी में गलतियां हुई, हम न्यूजीलैंड से हारे, हम पहला मैच हारे, लेकिन उसके बाद उस गलती से सबक लिया और उसके बाद हर एक कॉलम को टिक। तो हर चीज के अंदर लाइफ जो है इसी तरीके से खेल के अंदर है, एक हार से जिंदगी खत्म नहीं होती है और एक जीत से भी जिंदगी खत्म नहीं होती। उस हार से सबक लेना है और कैसे उस चीज से आगे हमें कंटिन्यू करना है, ये इस वर्ल्ड कप से हम सीख सकते हैं। इस कोरोना ने हमारी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी जिंदगी रुकती नहीं है, जिंदगी चलती है। अब कैसे इस कोरोना के साथ न्यू नॉर्मल में हम अपनी जिंदगी जिएंगे, ये फैसला कौन करेगा? ये फैसला हमें करना है।
और हमें लगता है कि आज की तारीख के अंदर आपके पास एक शानदार सा मौका मिला है बेस्ट से बेस्ट करने का, कुछ खुद के लिए करने का। आज आप सोचिए, सभी लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं फेसबुक पे कौन नहीं होगा, सुप्रियो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो फेसबुक पे नहीं होगा? सभी लोग होंगे फेसबुक पे। हमने क्या किया, हमने उस फेसबुक के नेटवर्क को अरबों में पहुंचा दिया। कहा जाता है कि हिंदुस्तान और चाइना के बाद जो है दुनिया में अगर कंट्री के तौर पे गिना जाए आदमी को, तो फेसबुक तीसरा सबसे बड़ा कंट्री होगा। हमने हिंदुस्तान चाइना के बाद एक कंट्री का दर्जा फेसबुक को दे दिया। हमें फेसबुक ने क्या दिया सुप्रियो आपको? फेसबुक ने कुछ दिया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं दिया। लेकिन हमने फेसबुक को, मार्क जुकरबर्ग जो है वो आप जाके देखेंगे अमेरिका में, तो वो अमेरिका के टॉप टू टॉप थ्री वाले व्यक्ति है, हमने उसको बना दिया। उसके बदले हमें कुछ नहीं मिला। पहली बार ड्यूसॉफ्ट ने ये कहा है कि आप हमारे साथ अगर एसोसिएटेड होते हैं तो आपको मिलेगा, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे लिए ब्रांड एम्बेसडर कोई ऋतिक रोशन और अमिताभ बच्चन ही, आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर। और पहली बार जिंदगी के अंदर ये महसूस हुआ कि हम भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते, हमें भी मौका मिल सकता है। आज मैं सविता पटेल जी को सुन रहा था, इतना अच्छा लग रहा था, इनकी जो इनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो खुशी के शब्द थे। मुझे भी याद है सविता जी, अगर आप मुझे सुन रही होंगे तो आपका तो 16,000 का बड़ा पेमेंट आया है, मेरा जो एक बड़ा पेमेंट आया था वो 12,400 रुपए का आया था 2001 में। और वो बड़ा 12,400 का पेमेंट आने के बाद 2-3 रात तक मैं सो नहीं पाया था, क्योंकि 1,000 रुपए लेके रहने वाला लड़का अगर 12,400 उसको एक सप्ताह में आ जाए तो आप सोच सकते हैं। और ये सविता जी मैं आपको बताऊं कि एक शुरुआत है, ये 16,000 जो आज एक सप्ताह के अंदर आया है ना, ये हर सप्ताह 16,000 आएगा। और सोचिए, एक ड्रीम लोगों का होता है कि हम 25-30,000 महीने कमाएं, और अगर हम 16,000 सप्ताह पे भी दिन पे पहुंच जाते हैं तो हम 65-70,000 रुपए महीने के अंदर पहुंचते हैं। तो हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है, एग्जांपल हमारे ही आसपास में बैठे हुए हैं। ऐसे नहीं कि हम ही लोग, नए नए लोग आके बहुत बेहतर कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आज के दौर में 21वीं शताब्दी की यह डिमांड है कि आपको ऑनलाइन होना होगा, आपको ई कॉमर्स जो है एसोसिएटेड होना होगा, आपको कहीं ना कहीं ऐसे प्रोडक्ट के साथ आना होगा जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को आने वाले कल में चल के एजुकेशन के साथ साथ आपके करियर को भी चार चांद लगाए। ड्यूसॉफ्ट इन तमाम पैमानों पे खड़े उतरती है, जो आपको एजुकेशनली भी बेनिफिट देती है, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देती है, जो आपको एक बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी भी देती है। और अब तो कहते हैं ना कि आपको स्वस्थ रहने का, आपको जवान रहने का भी एक शानदार सा जो है मौका दे रही है कि आप ब्लू वाइटल लीजिए और देखिए कैसे दुनिया से आप एक कदम आगे रहते हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और 15-20 मिनट में इससे ज्यादा मैं अपने बारे में क्या कह सकता हूँ? मैं तो यही कहूंगा कि जब आपकी मेरी मुलाकात होगी तो आप सोच सकते हैं कि जितने 22 साल 21 साल 20 साल के हम लोग के एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को पिरो दूंगा आप सभी लोगों को। और मैंने किसी बड़े बुजुर्ग से सुना है कि इंसान का जो किस्मत होता है वो आधा किस्मत उसके हाथ में होता है। मैंने सुना है कि आधा किस्मत उस इंसान के हाथ में होता है और आधा जो किस्मत उसका होता है वो उस दूसरे इंसान के पास होता है जिस इंसान से वो हाथ मिलाता है। तो आज मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आधी किस्मत लेके आप हमसे हाथ मिलाइए, आधा किस्मत आपका, आधा किस्मत हमारा, और हम दोनों लोग मिलके इस दुनिया को किस तरीके से जीतेंगे वो हमने तो पिछले 20 साल जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो 20 साल में ये प्रत्यक्ष को प्रमाण दे दिया कि मैं भी एक बीए पास ही लड़का था और कुछ नहीं था। मेरे पास भी आज की तारीख के अंदर एक नॉर्मल बीए की ही डिग्री है, लेकिन इस बीए की डिग्री के साथ भी कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे करोड़पति लगवा सकता है, ये ड्यूसॉफ्ट की देन है। आपके पास भी बीए की डिग्री होगी या आने वाले कल में लेंगे, लेकिन हो सकता है कि ड्यूसॉफ्ट का ये अपॉर्चुनिटी आपको उस बीए के साथ साथ, बी के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी। तो सी क्या कहता है? सी कहता है करोड़पति। तो करोड़पति बनाने का आपको एक शानदार सा मौका दे सकती है। और हम लोगों से जितनी भी मेहनत होगी, जितनी मशक्कत होगी, आपको तब तक आपके साथ आपके सपोर्ट में रहेंगे जब तक कि आपके घुटने, दोनों घुटने तरीके से मजबूत ना हो जाएं और पूरी मजबूती के साथ आप अपने पैरों को जमीन पे ना रख दें और आप अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लायक ना हो जाएं, काबिल ना हो जाएं, तब तक हम लोग आपके साथ रहेंगे। और जितने सारे विनर्स हमारे हैं हेलव्यू के, आप चर्चा सुन रहे थे टाटा के, उन सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और स्पेशली टीम सीएस के सारे मेंटर्स तो उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने उनका कद्र किया। और इस ऑफर की टाइमिंग जो है वो अगले 16 नवंबर तक बढ़ा दिया, तो बहुत सारे हमारे चैंपियंस जो थोड़े से दुखी थे कि मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं वो 2 दिन का लाइफ स्टाइल एंजॉय नहीं कर पाएंगा, उनके लिए भी मौका है कि 16 नवंबर तक आपके पास मौका, आप क्वालिफाई करिए। और नवंबर के लास्ट वीक में क्या धमाका हम लोग करेंगे, 2 दिन साथ रहेंगे। कहते हैं ना कि ये
ये थोड़ा सा म्यूट अनम्यूट वाला थोड़ा अनफेयर सिस्टम हो जाता है, जब साथ बैठेंगे ना तो फिर वहां पे म्यूट अनम्यूट खत्म हो जाएगा, फिर फेस टू फेस रहेगा, फिर कोई कोई अनम्यूट नहीं करेगा, कोई म्यूट नहीं करेगा। यहाँ तो लोग बोलती बंद कर देते हैं, चल चल चुप हो जाओ, और जैसे ही बोलती खोलते तो देखते हैं मछली बाजार बन जाता है, तो वो भी नहीं हमें बनाना है। तो मैं इसी उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को दिवाली जो भी बीती है उसका भी अगेन शुभकामना देता हूँ कि अगली दिवाली आपकी अभी तक की आपकी जिंदगी से सबसे बेहतरीन दिवाली हो। आने वाले कल में बिहार झारखंड का सबसे बेस्ट जो पर्व है, पारंपरिक पर्व है छठ की, उसकी भी मैं शुभकामना देता हूँ। और दो लाइन बस आप सभी लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जिद हो तो फिर हमें परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। ये हमारे पास एक मौका है, हमें अगर जीतने की जिद होगी तो परिस्थितियां नहीं हराएगी। आज दुनिया कहां से कहां चला गया रणवीर सर, 5 रुपए के कुरकुरे के साथ और आशीर्वाद आटा के साथ जो है 2 जीबी का डाटा मिल रहा है, सोचिए जी जी, आपने ऐड देखा होगा जी, बिल्कुल सर देखिए है ना, आपने सोचा था कि कुरकुरे के साथ और आशीर्वाद आटा के साथ डाटा मिलेगा, ये आपके लिए आई ओपनर है। कुरकुरे खाइए डाटा लीजिए, आशीर्वाद आटा खाइए डाटा लीजिए, अब इससे ज्यादा आप क्या सोच सकते हैं। हम लोगों ने 2G में जिंदगी बिताया, 2G में क्या, हम लोगों ने तो जी में जिंदगी बिताया, 2G में नहीं था, 2G आया, 3G आया, 4G चल रहा है, 5G की पूरी टेस्टिंग हो रही है, अमेरिका इंग्लैंड वगैरह में 6G 7G चल रहा है। आप अगर अपने लाइफ की निरंतरता को इस गति पे नहीं लाएंगे तो फिर दुनिया आपको रोंगटे हुए आगे चली जाएगी। फिर आप ये मत कहिएगा कि आपको भगवान ने 84 लाख योनियों में भटकने के बाद सबसे अच्छी मानव की जिंदगी दी, अगर आपने इस जिंदगी को बेहतर नहीं बना सकते, कहते ना कि जिंदगी दोबारा नहीं मिली, इसी जिंदगी में आपको सब कुछ देखना है। और अगर आपको लगता है कि अभी तक की आप अपनी पीछे की जिंदगी से खुश नहीं है तो आपके पास आज एक मौका आया है 7 नवंबर 2021 को, कि आने वाले कल को आप बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। और जो लाइफ के अंदर 3-4 पार्ट होते हैं, जो सबसे बेस्ट पार्ट है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम अपने परिवार के साथ खुश रहे, तो परिवार को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो ड्यू शॉप से आप ले सकते हैं। आप अपनी सेहत को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं वो सीख आप ड्यू शॉप से ले सकते हैं। आप अपने ड्रीम्स को कैसे पूरे कर सकते हैं वो सीख आप ड्यू शॉप से ले सकते हैं। आप अपने टारगेट के ऊपर फोकस करके कैसे सफल हो सकते हैं ये आप ड्यू शॉप से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको उसी तरह के पागल लोग मिलेंगे जो भले ही उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, आज वो फूस के मकान में रहते हो, आज वो खपरेल मकान में रहते हो, वो मिट्टी के मकान में रहते हो, क्योंकि उनकी सोच जो है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। और कहते हैं कि कहाँ कौन रहता है वो मैटर नहीं करता है, किसकी सोच कितनी बड़ी है वो मैटर करता है। अगर आप आज 1000 रुपए में हैं और आप करोड़ की सोच रखते हैं तो यकीन मानिए एक दिन आप करोड़पति बनेंगे, और हम लोगों ने ये करके दिखाया। आपके पास भी वो मौका है, हम आप और ये सिस्टम मिलकर जरूर जिंदगी जीतेंगे। और मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द जमशेदपुर में, और फिर जमशेदपुर के बाद अगले महीने हम लोग 18 तारीख को पूरी टीम के साथ 100 से ज्यादा लोगों के साथ गोवा भी जा रहे हैं, तो उसमें भी बहुत सारे हमारे चैंपियंस हैं। तो तमाम तरह की चीजें हमारी लाइफ जो है ना वो हर दिन की हैपनिंग है, हम लोग लाइफ को हर एक दिन के हिसाब से जीते हैं और वो हर दिन हमारी जिंदगी का बेहतरीन दिन साबित होता है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का हर दिन बेहतरीन दिन साबित हो, तो आपको इस अपॉर्चुनिटी से रूबरू होना होगा। जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे मिलिए, जो कुछ भी आपके सवाल है, जवाब है, कंफ्यूजन है, क्वेरी है, कुछ भी हो उसको आप उनसे डिस्कस करिए। लेकिन मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जितनी जल्दी आप ज्वाइनिंग करने का डिसीजन लेंगे आप अपने सपनों के पास उतनी जल्दी पहुंचे। अगर 2001 में मैं अगर मगर में फंस जाता, इस बट में फंस जाता, मेरे पास भी 2 ऑप्शन था, या तो मैं ड्यू शॉप करता या मैं ड्यू शॉप नहीं करता। जिन्होंने मुझे बताया था कि नहीं यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कंप्यूटर मैंने सीखा नहीं, कंप्यूटर पे कभी हाथ नहीं डाला है, ऑनलाइन ये वो पैसा लग जाएगा, डूब जाएगा, कंपनी भाग जाएगी, ये सारे विकल्प मेरे पास भी थे, लेकिन मैंने उस विकल्प को नहीं चुना और मैं यस के साथ गया, मैं पॉजिटिव के साथ गया, और आज उसका नतीजा आपके सामने मैं खड़ा हूँ। कभी आप अपने दोस्तों से जो आपको इनवाइट किए होंगे, आज से मेरी 20 साल पुरानी तस्वीर उनसे मांग के देखिए, यही व्यक्ति आज से 20 साल पहले कैसा दिखता था और यही व्यक्ति 20 साल बाद क्या हो। तो क्या वाकई में आप भी अपने आप में और अपनी जिंदगी में परिवर्तन बदलाव चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो हमें लगता है कि आपके पास एक बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म या ड्यू शॉप देने जा रही है। जितनी जल्दी आप आएंगे उतनी जल्दी आपकी जिंदगी निखरेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओवर टू सुप्रियो।